श्री स्वरूप दर्शन भाग 48। आके तुम देख लो दिल के अंदर, आके तुम देख लो दिल के अंदर। आपसे कोई पर्दा नहीं है, यूं तो लाखों हो, यूं तो लाखों, यूं तो लाखों साकी हमने देखे। दाता तुम जैसा देखा नहीं है, आके तुम देख लो दिल के अंदर। तुमसे कोई पर्दा नहीं है, सो सो बार प्यास नजरों की बुझती नहीं है। सो सो बार देखा हमने उनको, प्यास नजरों की बुझती नहीं है। ऐसा महसूस हो, ऐसा महसूस होता है जैसे आज तक उनको देखा नहीं है। ऐसा महसूस होता है जैसे आज तक उनको देखा नहीं है। आके तुम देख लो दिल के अंदर, आपसे कोई पर्दा नहीं है, आपसे कोई पर्दा नहीं है, आपसे कोई पर्दा नहीं है। यूं तो लाखों साकी हमने देखे, साकी तुम जैसा देखा नहीं है। आके तुम देख लो दिल के अंदर, आपसे कोई पर्दा रूपता। एक दिन आप श्री परम हंस दयाल जी के दर्शन करने के लिए गए। जब श्री परम हंस दयाल जी ने आपको दूर से आते देखा तो सर्व संगत में यह वचन फरमाया, भैया रास्ता छोड़ दो, भैया रास्ता छोड़ दो, देखो परम हंस जी आ रहे हैं। बोलो जयकारा बोल श्री परम हंस दयाल महाराज की जय। कई भक्तों ने विचार किया कि यह क्या संकेत हुआ है, इनको श्री परम हंस दयाल जी ने अपनी पदवी देकर क्यों पुकारा है। जो इस रहस्य से परिचित थे वे तो जान गए कि श्री परम हंस दयाल जी सब कुछ अर्पण कर चुके हैं, अर्थात आध्यात्मिक शक्ति एक हो चुकी है, दो शरीर एक आत्मा वाली बात है। श्री परम हंस दयाल जी उसी प्रकार अपना सब कुछ अर्पण कर चुके हैं, जिस प्रकार परम हंस राम कृष्ण जी ने स्वामी विवेकानंद को भेंट किया था।
एक बार स्वामी विवेकानंद ने परमहंस जी से शिकायत की कि आप मेरा ध्यान नहीं रखते, मेरा अभी कुछ नहीं बनाना। अपने परम प्यारे नरेंद्र के यह रोष भरे शब्द सुनकर परमहंस राम कृष्ण बोले, नरेंद्र तुमने तुमसे किस समय और क्या काम लेना है यह मैं भली भांति जानता हूँ। तब एक दिन परमहंस जी ने नरेंद्र को पास बुला लिया और अब सबको कमरे से बाहर जाने की आज्ञा दी। परमहंस जी नरेंद्र को पास बिठाकर उसे स्थिर दृष्टि से देखते हुए एकदम समाधि स्थित हो गए। इधर नरेंद्र को ऐसा अनुभव हुआ कि कमरे की सारी दीवारें हिलने लगी, फिर सारा मकान घूमने लगा और सकल ब्रह्मांड चक्कर खाने लगा। नरेंद्र को ऐसा महसूस हुआ कि अद्भुत शक्ति विद्युत प्रवाहत अंदर प्रवेश कर रही है। सारा शरीर थर थर कांप रहा था। नरेंद्र इसे सहन ना कर सका और एकदम चिल्लाया, आप ये क्या कर रहे हैं? परमहंस जी ने बहुत शांत स्वर में फरमाया, मैं वही कुछ कर रहा हूँ जो मुझे करना चाहिए। नरेंद्र एकदम बेसुध हो गए। जब फिर शुद्धि आई तो क्या देखा कि परमहंस जी अश्रुपात कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद बोले, आज तुझे सब कुछ देकर मैं फकीर हो गया हूँ। अब जब तक मेरा काम पूरा नहीं होगा तुझे छुट्टी नहीं मिलेगी। शक्ति मेरी होगी, काम तू करेगा, तेरी हड्डियां भी मेरा काम करेंगी। श्री सतगुरु देव जी साधारण वेश में रहकर अपने आप को प्रकट नहीं करते थे, केवल सत्संग सुनने और गुरु दर्शन करने के लिए कभी कभी डेरी में आया करते थे। अधिकतर समय भजन अभ्यास तथा एकांत में व्यतीत होता था। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जलवा सतगुरु का रोशन है हर जगे, जलवा सतगुरु का रोशन है हर जगे, यह हकीकत है परदा नहीं है, यह हकीकत है परदा नहीं है। अपनी नजरों पे हो, अपनी नजरों पे, हाँ अपनी नजरों पे पर्दा पड़ा है। हो इनकी नजरों पे पर्दा नहीं है,
बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो